स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है हड़ताल से आप क्या समझते हो। यहाँ पर हड़ताल गुरु लिखा गया, हड़ताल से आप क्या समझते हैं। हड़ताल का मतलब होता है वैसे बंद करना, रोकना। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को कुछ शिकायत है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बैंक का कर्मचारी है और उसे सही तरीके से जो है तनख्वाह नहीं मिल रहा है, यानी उसे सैलरी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो बैंक के कर्मचारी जो है वो बैंक से दुखी है और वह बैंक में शिकायत करना चाहता है, यानी जिस बैंक वो काम कर रहा है उसी बैंक में उसे शिकायत करना है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है उसे उसी हॉस्पिटल के मैनेजर से शिकायत करना है। मान लीजिए कि एक शिक्षक है और उसे सरकार से शिकायत करना है, तो उनके पास कुछ शिकायत है कि नहीं। जैसे आपके पास कुछ शिकायत होता है तो आप स्टूडेंट है तो शिक्षक के पास करते हैं, और अगर शिक्षक को कोई शिकायत तो वो किससे करेंगे। तो वही यहाँ कहा गया कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कुछ शिकायत है या तो वो कोई मांग चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भारत में पारा टीचर ने क्या किया था, हड़ताल कर दिया था, और वो उनकी मांग ये थी कि मुझे क्या किया जाए, हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से ये उसकी क्या थी, मांग थी। उसी प्रकार से तरह तरह की मांग को लेकर के बार बार लोग हड़ताल करते रहते हैं। तो या तो किसी को कुछ शिकायत होता है या तो उनकी कुछ मांग होती है, और उन्हीं मांग को पूरा ना होने तक जो मजदूर होते हैं या तो कर्मचारी होते हैं वह सभी मिल करके सामूहिक रूप से सब कोई एक साथ करते हैं। इसीलिए जब सब कोई एक साथ करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ने लगता है। आप सोचिए कि पूरे देश में सभी डॉक्टर एक साथ अगर अपना क्लिनिक खोलना बंद कर दे तो क्या होगा। तो जितने भी बीमार व्यक्ति है वो बहुत जल्दी क्या होने लगेंगे, और ज्यादा बीमार होने लगेंगे, और जिनकी हालत बहुत खराब है वो डेथ हो जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं, हड़ताल कहते हैं। तो हड़ताल में सरकार से कुछ शिकायत होती है या तो उनका कुछ मांग होता है। तो उम्मीद है कि आपको हड़ताल समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही डाउट अपने कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को।